नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं अपनी रोजाना की तरह अपनी मॉर्निंग वॉक में निकल चुका हूं। आपको मैं आगे का अपडेट दिखाता रहूंगा, बने रहिए, कहीं मत जाइए। सुबह और शाम को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक ज़रूर करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, आदमी के हाथ पैर सही चलते हैं। नहीं तो यहाँ पर आदमी घरों में ही कैद रहता है, क्योंकि और कोई काम धंधा नहीं होता है। तो मैं आपको यही राय देना चाहता हूँ, आप सुबह शाम टहलें, 1-2-3 किलोमीटर तक चलें, और उसके बाद योगा प्राणायाम भी कर सकते हैं आप सुबह सुबह। आपके स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी अच्छा फायदा रहेगा, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में लोगों की दिनचर्या में काफ़ी अंतर है। पहाड़ों में लोगों को ज़्यादातर उबड़ खाबड़ रास्तों में चलना फिरना पड़ता है। मैदानी क्षेत्रों में आदमी अपने वाहन का ही ज़्यादा प्रयोग करता है, पैदल चलने का कम ही है यहाँ पर काम, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उनके पास दोपहिया वाहन होते हैं, चौपहिया वाहन होते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। मैं मेरी वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों से एक ही निवेदन करूँगा कि आप घर से बाहर निकलें और ज़रूर वॉकिंग करें, अपना रोज़ाना रोटेशन में बनाएं इसको, और ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जिससे कि आपको कोई कल के दिन बीपी शुगर की दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आजकल बीपी शुगर जो है काफ़ी एक आम बीमारी हो चुकी है। इसका एक ही रामबाण इलाज है, सुबह सुबह टहलकदमी करें, 2-3 किलोमीटर तक पैदल चलें, तभी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपका पाचन क्रिया और जो भी शरीर के फंक्शन होते हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सही ढंग से आपके काम करेंगे, आपको कल को कोई बीमारी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आजकल एक मोटापा भी बहुत बड़ी बीमारी है, लोग बाग मोटापा के शिकार होते जा रहे हैं, हैवी वेट हो रहा है लोगों का खान पान की वजह से, क्योंकि आजकल जो भी खान पान है दूसरे टाइप का खान पान है पहले की अपेक्षा, क्योंकि शारीरिक श्रम नहीं है लोगों के पास में, और जहाँ भी जाता आदमी अपने वाहन से जाता है, पैदल चलना बहुत कम है यहाँ पर। इसीलिए आप लोगों को अपने खान पान पर भी ध्यान रखना है और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। जैसे पहाड़ों में जंगली सुअरों का, तेंदुआ, गुलदार का आतंक रहता है, वैसे हमारे तराई क्षेत्र में जो है यहाँ पर छोटी मोटी बीमारियों का भी आतंक होता है, जैसे मलेरिया मच्छर है और बुखार है, ये चीज़ें जो है यहाँ पर काफ़ी मात्रा में होती हैं, इससे आपको बच के रहना है। पहाड़ों में ये चीज़ तो नहीं होती है, मलेरिया मच्छर का बहुत ही कम प्रकोप है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पानी ऐसी ठहरने की जगह नहीं होती है जिससे वहाँ पर इसका प्रकोप कम रहता है, होता है परंतु बहुत कम होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है, खासकर बड़े शहर हैं यहाँ पर, शहरों में ये बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, मलेरिया की, डेंगू की, तो आपको यहाँ से सावधान रहना है, अपना ख्याल रखना है। आजकल बरसात का सीज़न है, बरसात के सीज़न में मलेरिया और डेंगू का काफ़ी खतरा रहता है, और जब एक बार किसी इलाके में फैल जाता है तो इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप अपने घर की टंकियों में और आसपास के पानी को इकट्ठा ना होने दें। डेंगू का मच्छर जो होता है वो साफ पानी में ही पैदा होता है, दिन के समय काटता है लोगों को, तो जो फूल के गमले होते हैं इनमें जो है इनकी सफाई रखनी है, कूलर में, तमाम ऐसी जगहों पर जहाँ पर डेंगू का मच्छर अंडे दे सकता है, और जैसे ऊपर टंकी रखी है ऐसे टंकी को खुला न छोड़ें, और साफ़ पानी में ही पैदा होता है ये इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा होता है डेंगू, क्योंकि हर साल होता है, तो इस साल भी हो सकता है। आप सतर्क रहें और अपनी साफ़ सफाई जारी रखें। पीने वाला पानी भी साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी दूषित है तो इससे पीलिया या टाइफाइड होने की काफ़ी संभावना होती है इस मौसम में। ज़्यादातर अगस्त सितंबर के महीने में ये दोनों बीमारियाँ काफ़ी पैर पसारती हैं, और यहाँ पर एक बुखार भी होता है जिसको कई जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में होते हैं ये बुखार, काला बुखार भी कहते हैं इसको, तो इससे भी आपको सावधानी रहना है। तो दोस्तों, 100 बात की एक बात, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही न करें। आप अपनी दिनचर्या में रोज़ाना अपना व्यायाम और प्राणायाम करें,
आपको फ़ायदे ही फायदे होंगे। तो बाकी सब ठीक है, आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मिलते हैं फिर एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।